यू मार, हम इसको थोड़े वो सुनेंगे। लव का फोन चोरी हो गया, पता नहीं भैंजोत किसने लिया किसने नहीं लिया। दे ये बदतमीजी मत करा कर, किसने मांग के सब मेरा भी पहले चुराया था फोन, दे दे उसका फोन। सो गाइस ये आ गया थाने, थाने में अंदर जाके फिर मिलते हैं। वापस करो वापस, बैठक लो अभी लट्ठे पड़ेगी पुलिस की। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो भाई बहुत सोचने सोचने के बाद मैंने सोचा कि गिनने वनने का साथ सबका छोड़ दूं आरुष का, क्योंकि कब तक ये छड़े रहेंगे छड़े घूमते रहेंगे। मीट माय न्यू गर्लफ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये है द न्यू मेंबर ऑफ द व्लॉग, बग्गे को तो सब जानते ही होंगे, बग्गा की बग्गी। इसके पीछे से बोला गाना डाल दो उसका, बूम बूम बज स्पीकर मेरी गाड़ी, क्या था वो बग्गे वाला। बट ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं सेंस, अभी तो मेरे को जानता नहीं है ठीक है। अभी हमने सिर्फ हेलो हाय किया है गाइस, अभी हमारी कोई बात हुई नहीं अभी। और ऐसा लग रहा है हम बचपन के दोस्त हैं। ये मारने वाला था लेकिन मैं सोचे तू मेरे पे अटैक करेगी, वो भी करूंगी जब हम दोस्त बन जाएंगे। इसके साथ सोच रहे कुछ कलाब वलाब करने की, देखते हैं। मैं तो ऐसे जा रहा था सीपी में कुछ काम से आया था, ये मिल गई। ये कहती सर बिग बैन बिग बैन, मैंने कहा आओ आओ आओ, फिर कहती है सर क्लास करना, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ कोई बात नहीं। पैसे दिए पेटीएम करें। तो गाइस नीचे कमेंट करके बताओ इसको कौन कौन पहले से जानता था जो मेरी ऑडियंस थी। बेइज्जती मत कराना, नहीं भी जानते तो कर दो, अभी मैं बहुत प्लॉन्ट कर चुकी हूँ अपने आप को। तो चलो फिर मिलते हैं, कुछ खाते हैं, इससे बात करते हैं क्या सीना क्या नहीं आगेगा। ओके सो गाइस प्लान में कुछ चेंज हो गया, ये कह रही मैं सीपी नहीं बैठूंगी तेरे साथ, चलूंगी वहाँ पे पटेल नगर के, तो जाम रजत नगर की कॉफी पीते हैं, दूसरी जो भी नाम है स्कूटी पे बैठने, मैंने बाल बांध लिए। तो कहती मुझे थोड़ी आईएएस वाली फील चाहिए, वहाँ पे आईएएस के बंदे बड़े आते हैं ना, कहीं उनसे मिलने हैं। अमीर ज्यादा माँ की कसम, पता क्या करके लड़के ताड़ूंगी वहाँ चलते, यहाँ के लड़के बहुत ताड़ूंगी, आईएएस पे डालूंगी, फिर उसका पैसे से डिवोर्स ले लूंगी, फिर तेरे पे लगाऊंगी और तेरे चैनल। सो गाइस भगवान की कसम इस जैसी बंदी मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो पता क्या करिए करी, तू कुछ बोल मत, तेरे मुझे थूक आ रही है पीछे मेरे पास आ रही है। उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं फिर शांत बैठा हूँ तो करी तू शांत के बैठा हुआ है। और एक और नई चीज बताऊँ, बस हम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमें जाना है, वहाँ बैठ के हम इसके थोड़े वो सुनेंगे। अब अपने बारे में तो मत बोल, इसका ब्रेकअप हुआ तो रीजन जानेंगे क्यों हुआ, कि हर बार लड़कियां गलत नहीं होती, लड़के भी गलत होते हैं। तीन साल पहले हुआ था लेकिन सुनाऊंगी मैं अभी भी ऐसे ही, तीन दिन पहले हुआ ठीक है। इमोशनल होने की एक्टिंग में ऐसे निकलती है, रो के दिखाएगी पूरा पूरा। चल जल्दी पकड़ यार, जल्दी पकड़ ले लो, जल्दी पकड़। बाय यार, इससे मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, अब अगली बार मिलूंगा ना तो डिस्प्रिंग की गोली साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि भाई माँ कसम सर दर्द कर दिया इसने, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, मतलब मैं तो कुछ नहीं इसके आगे, मुझे ऐसा लगा। तो बताओ तेरे साथ हुआ क्या था, ये तो बता। मेरे साथ एक बहुत दुर्घटना हुई थी, मैं एक बहुत अच्छी बंदी थी, बंदा दिया मैं, घर पे बता दिया था तो और लंबा चल गया, क्योंकि घर पे सबको पता था, वो तो रोका प्लान कर चुके थे, फिर उसने मेरे से ब्रेक लिया क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा था, और फिर उसने चीट कर दिया और फिर मैंने ब्रेकअप कर दिया। अपनी साइड नहीं बतानी, वो अगले व्लॉग में, अगर आप इस पे आप 1000 कमेंट्स देंगे ना तो हम अगले व्लॉग में आपको पूरी स्टोरी। तो रीजन नहीं पूछा उसने किस चीज का, मतलब ये वो तो बंदा खुश होगा ना। अरे नहीं, उसने मुझे खुद आके वो ना मेरे से बड़ा उखड़ा उखड़ा सा बिहेव करा, तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है, तो बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, कहता मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने कहा हाँ ओके। फिर उसने मुझे बताया, कहता कि एक्चुअली वो लड़की लेके थी, तूने उसने स्नैप पे उसके साथ छल्ले बनाया था, मैंने कहा हाँ, वो मैं उसके साथ मेकआउट कर लिया था, लेकिन तब हम ब्रेक पे थे ना, मैंने रियलाइज नहीं करा, और फिर हम दोनों का पैचअप हो गया, मुझे तो लगा था ब्रेक ब्रेकअप होता है, गवाह है साले जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। पर हाँ फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं इतनी फेमस हो गई और वो दारू पी पी के फूल गया, जैसे बॉडी नहीं होती ऐसे तालाब में पड़ी, फूल नहीं का बोल मटका बोल, हाँ मटका भाई, किशमिश को पानी में रख दो तो सूज नहीं जाती वैसी। इसके लिए मुझको बहुत डर था गाइस, बहुत ज्यादा डर था। पर अब मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, तीन साल हो गए ना, अब परफेक्ट है। एक साल हाँ, अब मैं नेक्स्ट ढूंढ रही हूँ। तेरे ब्रेकअप पे मजा नहीं आया इतना सुनने का। अरे मैंने पूरी नहीं बताई ना, 1000 कमेंट्स नहीं दिए तुझे, पूरी आज बता दो। आज मैं थोड़ा शांत बैठा हूँ क्योंकि लड़की है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा इसके साथ। मैं लड़की हूँ, मैं चिल ब्रो हूँ, तू समझा नहीं आया बेटा, मेरी ऑडियंस को पता मैं बोल नहीं रहा, अभी तूने बोल दिया ना चीजें, तू हो गया फिर तू। अच्छा सॉरी, मैं हूँ मैं हाँ। मतलब यार मैं बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि मैं थोड़ी काम वाली, ओ मतलब अच्छी बंदी है तू, काम वाली है।
देखा मुझे कह रहा था इसी को भी दिनों में लाके बोल गया धीरे बात करो अभी भी तेज हो रही है भाई इसने बोला था कि अगर तू अच्छी कॉफी पिलाएगा तो मैं तुझे एक अच्छी सी किस दूंगी। तुझे कैसी लगी कॉफी? बहुत बुरी है। अभी तूने बहुत अच्छी बोली, सच होता गलती वो मैंने झूठ बोला था, अब मैं सच बोला। वो मैंने देखो इम्प्रेस कर लिया, अभी मेरे को शर्त याद आ गई। गाइस अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हम पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि यार बोर हो रहे हैं। और नोच के पेच के ना मैं अब फोन खरीद लूंगी। बंदर क्यों बोल रही तुम्हें? बंद कर मेरे फोन को। हमेशा पड़ती क्यों रहती है? कभी तो जिगरा का ओपन कर दिया। तो यार एक बात बताओ गाइस, दोनों की जोड़ी कैसी लगी है? वो ओके जानू की श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर वाली, धीरे धीरे जरा कम 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 बंदे की गांड देख। पहले तू ढंग से बताया अगर, पहले मेरे को खाचरी ओ खाचरी खाचरी तेरी। अच्छा ये तो बता, तूने इतने क्रिएटर से मिली, मेरे से मिलकर तुझे कैसा फील हुआ? कुछ एक प्लस पॉइंट और एक प्यार हुए भी गाइस। क्रिएटर तुम्हें हम बनाएंगे सैटरडे को, मिलो। अच्छा ये तो बता तुझे कैसा लगा, सच बता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत जेन्युइन हो, तुम दिखते छपरी हो पर तुम अंदर से एक बहुत ही क्या अच्छा। अबे काम वाली ढंग से बोल तू, पहले सेंस हुआ कर। काम वाला है, अच्छा बता आप बता आप बता। नहीं तू बहुत अच्छा इंसान है, मुझे तेरे से मिलके बहुत अच्छा लगा। तेरी वाइब बिल्कुल वाली है कि तू कभी डकार मार ले फिर मार। अब बोल तू अच्छा है, तू कभी भी अपने दायरे ब्रेक नहीं करेगा, तू मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा। अभी तूने पूरे नहीं करे, करे होते तो ये चपेट भी तेरे को बहुत अच्छे से पड़ती है। एयर ड्रॉप तो ले ले। ओके गाइस तो मुझे इसके साथ गालियां देना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत कंफर्टेबल थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि साले तू बोल ना मेरे बारे में, मैं क्यों बोलूं तेरे बारे में। तुझे मैंने बोल दिया था कि तू फर्स्ट टाइम मुझे दिखी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम वाली फील दे रही थी, बट पास आया तो ऐसा लगा कि नहीं। मैंने कहा बट ऐसा कुछ नहीं था, खेल गई गाइस, खेल गई। कोई नहीं यार, चलता है इतना तो कोई होना चाहिए जो तुम्हें धरती से जोड़ के रखे हम्बल करके, तेरी जिंदगी में वो मैं हूं। बंदी ठीक है, ज्यादा इतने वो इतने नखरे हैं नहीं, तो मैं सोच सकता हूं इसके साथ कुछ उसमें आने में। और ये बहुत स्पॉन्टेनियस है तो तेरे ब्लॉग के लिए अच्छा कंटेंट है। बाकी मुझे बहुत फील हुआ जब ये बताते मुझे हक करके रोने लग गई थी। स्टोरी रोई नहीं थी, रिलेशनशिप की मैं सिर्फ आंखों में तेरे आंसू थे, तेरा मुंह आ गया। हाँ जी तो अब घर आ गए हैं, अब जिम की तैयारी करेंगे, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, रेस्ट करते हैं। बाकी यशवी से मिलके बहुत अच्छा लगा, नेचर वाइज बहुत अच्छी थी, ठीक थी। बाकी काम वाली तो लगी रही थी, वो तो मैंने बोल ही दिया था उसके मुंह पे ही। चलो फिर मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, जिम में मिलते हैं, गिनने से भी मिलके आते हैं। गिनना कहीं गया था मीटिंग में, उसके पता नहीं कितनी मीटिंग होती भाई आजकल, बड़ा आदमी भाई। चलो कोई नहीं, तो गाइस हम आ गए अपने ऑफिस। और अगर पूरे दुनिया के अंदर कोई अच्छा एक बंदा कोई होगा ना जो जिंदगी के मजे ले रहा होगा तो वो ये है भाई, 24 घंटे सोना और खाने में चिकन मिलना, इतनी तेरी नहीं होती ना। गाइस रेडी हो गया जिम के लिए, जिम जाएंगे और आज देखते हैं बाइसेप ट्राइसेप करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे कुछ अच्छा बढ़िया सा। और आज तुम्हें एक और सिखाता हूँ, आज वर्कआउट शायद थे भगवे के साथ होगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आ रखी थी उसके साथ देखते हैं करते हैं आज ना, अगर होगी तो उसके साथ वर्कआउट करूंगा आज। इस वैभव के घर के नीचे आ गया क्योंकि हमारा भाई, क्योंकि मंडे से फ्राइडे बहुत बिजी रहता है क्योंकि काम धंधा होता है। ओ वैभव भाई आ जा यार। तो भाई ये अमन का भाई है, इसका 3 दिन बाद बर्थडे है और पार्टी मिलनी चाहिए भाई, ठीक है? तेरे घर आ जाऊंगा केक लेके, ठीक है? और इसकी पार्टी दे दी, और एक और चीज की पार्टी दे दी, ये दिखा सकते हो भाई? ओ वाली है दिखा दू ये। हाँ तो गाइस अपने मटके का उठा लिया, मटके तेरा वीजा लग गया न्यूजीलैंड का है? हाँ लग गया, लग गया। चलो भाई, भाई को ऑल द बेस्ट। बाकी हमने साउथ दिल्ली करो, साउथ पटेल नगर का नाम रोशन करना था, कॉमनवेल्थ में जीत गया ना, प्यार चौथे के सबकी, ठीक है? नहीं लगा भाई अभी हैं, ठीक है? तूने तो अभी भी बात कर दी, केले का छिलका छीला नहीं, केला तू खाने स्टार्ट कर गया, डिप्रेशन हो गया राजे, चुप हो जा, क्लोज इट यार। पता नहीं लगी क्या? बंद कर फिर, बैठ चल रहा है हमेशा से यही बोलता, बंद कर। हां तू बता गाड़े, अबे क्या बात पिटना ना अभी। चलो गाइस थोड़ा इससे बात करते हैं, उसकी थोड़ी पप्पी अप्पी दे दो फिर बात करते हैं। Yeah.
चल बढ़िया। तो गाइस वर्कआउट हो गया डन और भाई एज यूजुअल तुमको सबको पता है तुम्हारा भाई बन रहा है किससे बन रहा है, एक ही भाई है एटॉम एज इट इज का भाई प्रोटीन है अपना। और इस बार भाई मेन मतलब पहले मैं मैंगो फ्यूजन पीता था बट इस बार मैंने मंगाया है कैफे लाटे। ये देखो गाइस भाई बजट फ्रेंडली ओके रिपोर्ट है 100% अथॉरिटी का लैब टेस्टेड है भाई बिल्कुल परफॉर्मेंस इसकी एक नंबर है। चलो और फिर टेस्ट करते हैं इसको भी। अभी भाई मैंने सील ओपन करके तुम देख सकते हो, अब देखते हैं इसका क्या सीन है भाई। बाकी इसका तो मुझे मैंगो फ्यूजन भी बहुत अच्छा लगा था, बाकी नीचे कमेंट करके बताओ तुम सबको कैसा लगा था जिस जिसने लिया था। मैंगो भी मस्त लगा मुझे तो, अब ये ट्राई करते हैं। और बाकी भाई नीचे मेरा कूपन कोड यूज कर लेना और बजट फ्रेंडली बन जाएगा तुम्हारा। जितने भी भाई अपने स्टूडेंट वगैरह जो भी नया स्टार्ट कर रहा है उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक बजट फ्रेंडली है। क्योंकि जब भी मैं जॉब वॉब करता था तो इतना भाई ऑब्वियसली बात है इतने कौन 10,000 इतना वेस्ट करे, बट ये बजट पे लिया कितना भी आ जाता है 1500। और बाकी कोड वोड लगा लोगे और सस्ता पड़ जाएगा, और क्या चाहिए तुम सबको यार। सो आओ ट्राई करें भाई कैफे लाटे, चेक करते हैं। ओके आटा मैं तेरे रही आरू भी, ठीक है अभी आरू रुक जा। ओए होए मेरा राजा आए, नहीं नहीं तू बैठे ना भाई, हम तो भाई एसिडिस्ट हैं, एसिडिस्ट पी रहे हैं, तो बैठे रहा भाई एसिडिस्ट का ले लियो प्रोटीन, ठीक है यही लेना मुझे बेस्ट है, एक नंबर कैसे लाटे एक लेना। बाकी भाई आई बाइसेप ट्राइसेप करके मजा आ गया गाइस, अब बाइसेप और ट्राइसेप करके अकेले करो मजा आ जाता है कौन में लोगों को। बस हो गया टेस्ट करते हैं। भाई इतना स्वाद एक ही बार में पी गया भाई, रुकने का मन ही नहीं कर रहा, पी के बाद ही आराम से बोलूंगा भाई। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ, जिसको परचेस करना है कर लेना भाई, ठीक है बाकी कूपन कोड लगा लेना और सस्ता हो जाएगा। चलो मिलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। इस देखो पता चल जाता है कि रंजीत नगर के खचरे आ रहे हैं, वो देखो रंजीत नगर के खचरे आ गए, ये देख रहे हो भाई तीनों खचरे। तो चलो भाई अप्पा फिर मिलते हैं कुछ खाते पीते चल के। ये बंदा देखो इसे शेक हैंड मिलाऊंगा देखना कैसे करेगा भाई, करिए क्या भाई तो गाइस देखो मुझे बैग पता नहीं चल रहा मेरा कौन सा है भाई, एक मिनट ओपन करियो। वाओ एज इट इज है, वाओ एज इट इज है मेरा ही है, खरीद रखा यार वरुण एज इट इज, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। बॉस तूने मेरा कूपन कोड यूज करा, बढ़िया था ना, बजट फ्रेंडली है ना भाई, मैं तो कह रहा हूं जिम के तूने भी बढ़िया कर रहा। थैंक यू भाई तेरा कूपन यूज करके मेरे को पूरा 10% ऑफ में मिला एज इट इज, मजा ही आ गया। फ्लेवर भी कैसे लाते हैं, कैफे लाटे भाई। अच्छा भाई सच्ची बताइयो फ्लेवर, सच्ची बताइयो फ्लेवर तुझे कैसा लगा भाई? फ्लेवर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लगा। ओके गाइस, ओके गाइस, गाइस तो अपना सब कुछ डन हो गया गाइस, अब जाए कुछ गाइस क्या करें गाइस, जाना भाई कल 100 व्लॉग बनाएंगे। अरे वाह ठीक है, अरे भाई कुछ करके दिखा जरा, लव भाई की गाड़ी कुछ भी करके दिखा दे। भाई ऐसा फुकरा मत बनना, जो मर्जी बन जाओ यही होता है अगर बाप दूर रहने लग जाए तो बच्चे ऐसे ही गाड़ मारते हैं क्या करें अब उन्हें पीछे नहीं पीछे ही हो भाई कनाडा की है, चल चल। तो ये बारिश हो रही है क्या यहाँ पे, खा कह रहे तो दिखाइयो। सो भाई जादू के साथ एक बार ऐसे करते मेरे भाइयों का करते ऐसे ऐसे करते हो तो आ गया भाई यहाँ पे लिटिल शेफ खाने भाई, तुम्हारे मैंने पनीर रोल ले लिया है। सो गाइस अपना ये पनीर रोल आ गया भाई, वो लोकल रिपोर्ट वाला है, बाकी ये अब खा के मिलूंगा भाई, अब टेस्ट रिव्यू देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि भाई भूख बहुत तेज लग रही है। लव का फोन चोरी हो गया, पता नहीं भैजोत किसने लिया किसने नहीं लिया, ये तो कंटेंट हो गया भाई। ब्लॉग के लिए क्या क्या कर रहा है तू भाई? देखो भाई माँ की कसम मैंने लिया, मेरे दोस्त मिल गए थे वहाँ पे गाइस, मैं उनसे बात कर रहा था, भगवान की कसम भाई माता रानी कसम मेरे पास नहीं है, बाकी तुम्हें शक लग रहा हो तो स्विच ऑफ किसने कर दिया, अंदर चेक तो कर ले, चेक कर ले एक बार भाई, फोन चोरी हो गया भाई का, चल फोन चोरी करवा रहा है भैया, कैमरा भूल जाएंगे
फोन चोरी हो गया तेरा भाई? फोन चोरी हो गया भाई। ओ लो गाइस, बहुत गलत ध्यान रखती है इसको। अब क्या करना है फिर भाई? मत कर यार। तू, मैं तेरे साथ खड़ा था, मैं तेरे साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था? ये मिला था, मैं इसके साथ खड़ा हुआ था भाई, पूछ ले इससे, काउंटर पे चेक कर ले। गिने ये बदतमीजी मत करा कर, तुझने माँ के साथ मेरा भी पहले चुराया था फोन, दे दे उसको फोन, पागल है तू? वो कुत्ते का बच्चा जिसपे फोन हो, बस मेरे पे नहीं है माँ कसम। तू जो तू कर रहा है वो सही है, मजे आ रहे हैं। ओए लिया तो तेरे सजा था, तेरे लिया तो भाई देख, माँ कसम झूठ नहीं भाई देख, हम भी दोनों हैं, हम भी दोनों हैं। माँ कसम मैंने भी नहीं लिया, मैं दोस्त के साथ था, इसने भी नहीं लिया, पता नहीं किसने लिया है। आओ अंदर आओ, मिल गया नहीं है स्टार्टिंग में भाई, मैंने तेरा नंबर ब्लॉक कराने को बोला था, उसने कहा दिव्यांग सूजी का दो आधार कार्ड की डिटेल दे दो, वो कह रहे थे। वो तेरा एक बार भी तो फोन चोरी हुआ था, वो मिल गया था ना? पागल है क्या? कैमरा ऑन करके थोड़ा पूछा भाई, वो तो ऑडियंस को पता चलनी चाहिए भाई, रॉ रखो भाई, उनको भी पता चले कल को किसका फोन चोरी हो तो गाइस पहले अगर दोस्त का चोरी हो तो बहन की जूदा, कोई बात नहीं, फोन चोरी हो गया, स्माइल बरकरार रहनी चाहिए फेस में, हंस के दिखा एक बार, आए मेरा राजा बेटा, एक बार पता चला दे गुंडा और डाकू। मम्मी ने ऊपर गाली बकी सजा तैयो पागल, एक फोन से कुछ नहीं होता मेरा यार। बोल रही है भगवान ने तो क्यों वो दिया कि एक ही फोन रख, महंगा ले पर एक ही फोन रख तू उसको, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। तू भोसड़ी का कहां घुमाया जा रहा गाड़ी? ये थाना थोड़ी ना भोसड़ी का थाना पीछे है, वो थाना ले रंजीत नगर वाला थाना, पटेल नगर। अबे रंजीत नगर का थाना ले, यहाँ पे कोई नहीं होता। अबे पटेल नगर थाने लेंगे शादीपुर मेट्रो साले। हाँ भाई तो शादीपुर वाला, वही तो कह रहा हूँ। चल बेब दे यार मेरे को ब्याड की टांग। चलो कोई नहीं भाई, हमने तो सोचा बैठ का लोड़ा सैड वैड होगा, गांड फटेगी, दल लेगा ही नहीं भैया, जिनके पास माँ बाप पैसा अंधा होता है, बैठ के लोग टेंशन करती है, गाड़ियों की माँ चोद रहे हैं, फोन की माँ चोद रहे हैं, बहुत बढ़िया मजे, प्राउड ऑफ यू। कौन ले रहा है तुम्हें पता है किन्ने का घर का सीन क्या है? 11:30 बजे से इसको घर के अंदर होना है, इसके डैडी का फोन आया और भाई ने पता क्या डैडी को बोला कि डैडी दोस्त का फोन चोरी हो गया, तो अब जा रहे हैं पटेल नगर वही रिपोर्ट विपोर्ट थाने वाले लिखाने, और अब इतना सारा इतना खुश हो रहा है, चले भाई वहाँ पे पराठे खाने। भाई डिप्रेशन से बच रहा हूँ, सो गाइस ये आ गया थाने में, अंदर जाके फिर मिलते हैं, बनेगा तो दिखा देंगे आपको क्या होता है। और बाकी एक चीज बताऊं, एक बार मुझको ना इन्होंने पकड़ा था ठुल्लो ने, माँ की कसम तेरा भाई स्टेफरी पहन के गया था चूतड़ पैर, क्योंकि वो पड़े थे ना डंडे पड़े थे, वो बड़ा माँ अबे उस साहिल बोले थे, मुझे साहिल बोले देख रहा मुर्गा बना हुआ था, मुर्गा बना हुआ था रोड पे, स्टेफरी पहन के गया था। तू घर से पहन के निकला था? नहीं, जब फोन आया था घर से कि थाने आऊं सबको, तब पहन के तेरा भाई सेट पेट होकर निकला था। तभी अंकल ने बताया, पुलिस वाले अंकल ने बताया कि इनका ना वीक ऑफ भी नहीं होता, ये चीज़ गलत है। और भाई एक और चीज़ सुनने में आया कि बोल रहे थे कि क्या कह रहे थे अंकल, क्या कहते हैं अंकल, क्या कह रहे थे आप इधर रुक तो जा। सो गाइस हुआ यूं भाई, पहले मंदिर बैठे हुए थे भाई, बिल्कुल घर वाली भाई मतलब अब बाप मत बोल दे, नहीं मैं तो वो नहीं बोल रहा था, माँ कसम जो तूने अपने ब्लॉग में वो तो बोल दिया भाई, मेरी गांड पता कब फटी? मैं तो अंकल ने अपनी पिस्टल निकाली दूसरे को देने लगे, मेरी गांड फट गई, क्योंकि भाई मैं वहाँ पे ना बहुत कुछ बोल रहा था, तो अंकल कह रहे बहुत बोलता है, और उन्होंने मेरे पे ही चोरी का नाम लगा दिया, इसका मेरी शक्ल ऐसी दिखती है। चोर दे दे उसको फोन, बोला क्या था वैसे अंकल ने? कह रहे मेरे को इसी की शरारत लग रही है। ना ना यार, इतनी गंदी भी शरारत नहीं कर सकता। बस यार तेरा व्लॉग का फोन दे दे। चलो ठीक है इसका। सो गाइस आज लव का फोन चोरी हुआ है, तो कल भाई साहब तो अपना चोरी करा लियो, बैठ के ऐसी रातों को हम बाहर रहते हैं, घूमते रहेंगे, नाइट आउट भी हो जाएगा, क्यों वीरे? मैं तो चोरी कराऊं पागल, अभी नया लिया था मैंने। अमन तो अपना करा ले, तेरे तो करा दे यार, बैठ के बड़ा वाले प्रेम पैसा बहुत है, बैठ के चोर नहीं दुकान ये वो होने लगा, चोरिया पोटिन प्रो आ रहा ना तेरे का यार, ये चलाऊंगा अभी, दो बैठ के लड़ पहले न्यूजीलैंड जा तू, लग गया वीजा, तू भी अपनी कंप्लेंट लगा रहे थे ना, क्या वीजा चोरी का? क्या सर वीजा नहीं लग रहा, बैठ के चूतिया बनाया जा रहा है, कॉमनवेल्थ गेम है मेरी, कोई नहीं।
चलो कोई नहीं गाइस, लग गया या लगा नहीं लगा, वक्त से ज्यादा और वक्त से पहले अस्पताल से हॉस्पिटल से, ये तो बाद में बोलना था दोस्त, ये जो चूते कह रहे हैं अस्पताल से हॉस्पिटल से जी भैया, पता है सबको मैं चूतिया हूँ, माड़ा चूते ये लोड़े मम्मी हलवा बुड़ी मम्मी। अरे आजकल उसने नया ट्रेंड निकाला है, ये अपने बुआ के बेटे पे कभी भरोसा मत कर लेना, मामा के लड़के पे अपने मामा पे बैठ एक नंबर बंदा भाई है, बाप बना ले इसको भी एक रील बनाऊंगा, इसलिए कमेंट कर देना कुछ भी बताओ, बाप बना ले इसको। वन थिंग और, भाई ने आज रिचार्ज कराया था 500 रुपए का है ना, हाँ यार दुख हो रहा है 500 रुपए का यार, चल कोई बात नहीं, ओके भाई यार गाड़ी सही से पार्क करियो ठीक है, झूल बाय बाय बोल दे, बाय गाइस, ए बाबू छपरी बोल दे कचरे ओए भाई, अरे भैया क्यों उसको तू अभी बोल रहा है, ड्रिफ्ट चेक करो इसकी मार रहा है ड्रिफ्ट है। भाई लव तेरा नंबर मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई, आज के वास्ते तेरी मेरी दोस्ती खत्म, अबे ओके कोई दिक्कत नहीं, फोन मिला तेरा अब तो उठेगा ही नहीं व्हाट्सएप फोन क्या फोन उठाएगा व्हाट्सएप है ना इसमें, अबे उस नंबर पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिम डाली हुई थी वहां पर, कुछ नहीं उस फोन में, ऐ कचरे। तो भाई जो भी चोर था तो थोड़ा दिमाग लगा के चोरी किया करो, एक जेब में आईफोन पड़ा था, एक में वन प्लस, तुमने वन प्लस चुरा लिया, चूतिया चोर था कोई बोल कर रहा है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या पड़े हुए थे, कौन सी टिंडर कह रहा, टिंडर विंडर के वो पड़े हुए थे, चल ओके भाई चल गाना बना। सो गाइस अगले का फोन चोरी हो गया, अगला सैड बैठा हुआ, वापिस करो बैठ गलो, अभी लट्ठे पड़ेगी पुलिस की, लव हम तेरे साथ है भाई, तू डिप्रेशन नहीं होने देंगे, तेरा फोन चोरी हो कोई बात नहीं, चलो गाइस अब हम जा रहे हैं डैडी के घर के नीचे, वो बताएगा ओए ओए डैडी जादू कितने फोन गिरे पागल है तू, ओए मेरा फोन है छोड़ो, मेरा फोन है पागल है तू। सो गाइस फोन चोरी हो गया, ना भाई तुझे 6 महीने पानी में रहना, तू निकल यहाँ से, आठ 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 हाँ जी। तो गाइस अब जा रहे हैं हम डैडी के पास, यानी कि ऋषभ सिक्का के पास, थोड़ी उससे भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि अब पूरा पटेल नगर में हवा फैल रही है, भाई का फोन चोरी हुआ है, बैठ दिलाना भाई फोन चोरी हो गया इसका, डैडी कुछ चला दो डैडी, फोन चोरी हुआ 24/7 में कहाँ मिलेगा, 24/7 पे मिलेगा 24/7 में तो सब मिलेगा। सो थैंक यू भगवान, आज का भी आपने टाइम पास निकलवा दिया, आज का भी दिन काट दिया, रात भी कट गई। सो गाइस आई होप आपको इस वीडियो में एंजॉय करा होगा, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी भाई दोस्त हैं तो क्या करें, अब दोस्त होते ही ऐसे ही है, सबकी किल्ली उड़ाने वाले, अगले का फोन चोरी है, पर इसको मार कदम फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो भी बंदे हैं दो फोन रखो, एक फोन चोरी है दूसरे का पता ना चले। सो ओके बाय, वाले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डाले।